नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज देश में आप सभी देख रहे हैं कि क्या माहौल है। कहीं पे जश्न दिखाई दे रहा है तो कहीं पे मायूसी का आलम छाया हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं चार राज्यों के चुनाव परिणाम की। आज सुबह से चुनाव परिणाम के रुझान आने शुरू हुए और बाद में परिणाम डिक्लेयर होने शुरू हुए, घोषित होने शुरू हुए, तब से कोई उतार चढ़ाव बहुत बड़ा दिखाई नहीं दिया। और तीन राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान, तीन राज्यों में बीजेपी ने बाजी मारी, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने इस बार अपना परचम लहराया। ये सभी आप देख ही रहे हैं और काफी कुछ ये हमको नजरों के सामने से दिखाई दे रहा है। ठीक राजस्थान में 25 सालों का जो रिवाज है वो फिर से एक बार कायम रहा और एक बार फिर सत्ता पलट हुआ और अशोक गहलोत की जो योजना थी उसको शायद लोगों ने नकार दिया। राजस्थान में भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ 115 सीटों के साथ बढ़त बनाई। छत्तीसगढ़ में हर एक एग्जिट पोल ये अनुमान बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने फिर से अपनी पुरानी सरकार को कंटिन्यू किया है और वहां भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तेलंगाना में जरूर कांग्रेस को फायदा मिला है और तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। मिजोरम के चुनाव, उनका रिजल्ट आज डिक्लेयर नहीं हुआ, वो कल डिक्लेयर होने वाले, उस पर क्या होगा वो कल मालूम पड़ेगा। अब हम बात करें राजस्थान की। राजस्थान हमारा होम टाउन भी है और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में खासकर बहुत कुछ उलटफेर हुए। जो बड़े चेहरे थे राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, नादौरा से वो हारे हैं। साथ ही साथ कुछ मंत्री जो पिछली सरकार में मंत्री थे वो भी हारे हैं। निम्बाड़ा से उदला रंजना हरे वो भी मंत्री थे। निम्बाड़ा का जब जिक्र निकला तो चित्तौड़गढ़ जिले की आपको मैं पूरी कहानी बताना चाहूंगा। चित्तौड़गढ़ जिले पर लोगों की काफी नजर थी। उसका कारण यह था कि राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो चित्तौड़गढ़ के सांसद चंद्रप्रकाश जोशी है और टिकटों का बंटवारा करने में चंद्रप्रकाश जोशी ने चित्तौड़गढ़ के निवर्तमान विधायक, पूर्व विधायक जो थे बीजेपी के चंद्रभान सिंह आक्या, उनको उन्होंने दरकिनार करते हुए नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से उन्होंने टिकट दिया। हालांकि पहले दिन से, जब से टिकट नरपत सिंह राजवी को दिया गया तब से विरोध के स्वर काफी बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहे थे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अपना होम टाउन, उनका अपना खुद का निर्वाचन क्षेत्र, उस क्षेत्र में उनके अधिकृत प्रत्याशी जो है वो थर्ड पोजीशन पे गए। क्योंकि जब चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटा गया तब चंद्रभान सिंह ने ये ऐलान किया कि वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय वो लड़े। जिस दिन उनका पर्चा भरने गए तभी ये क्लियर हो गया था कि चंद्रभान सिंह कहीं ना कहीं इस मुकाबले में सर्वोपरि सबसे ऊपर है। हालांकि कुछ राजनीतिक पंडित ये बता रहे थे कि शायद बीजेपी की आपसी लड़ाई में अगर नरपत सिंह राजवी ज्यादा वोट काटते तो उसका सीधा फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी उनको मिलता। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, पहले के जमाने में कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, अगर नरपत सिंह राजवी कुछ अच्छा कर जाते तो सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को जरूर उसका फायदा मिलता और कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से वो सीट निकल जाती। अभी फिलहाल ये स्थिति है कि सीट बीजेपी के हाथ से निकली है, लेकिन प्रत्याशी कट्टर भाजपा ही है और वो भाजपा में ही शामिल होंगे आने वाले समय में, ऐसी संभावना, ऐसी उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद चंद्रभान सिंह आक्या का कद और भी बढ़ गया है। चंद्रभान सिंह आक्या पिछले दो बार के विधायक थे। 2014 में वो विधायक चुने गए, 2014 में देशभर में मोदी जी की लहर थी, प्रधानमंत्री मोदी की लहर थी, बीजेपी की लहर थी और उसी लहर में वो जीते थे। 2019 में कुछ हालात चेंज हुए राजस्थान में और लोगों ने एक नारा दिया
वो नारा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो इस नारे में वसुंधरा राजे सिंधिया से नाराजगी थी लोगों ने, और लोगों ने उसके विरोध में मतदान किया था। लेकिन उस पलटे हुए हालात में भी चंद्रबान सिंह आक्या ने चित्तौड़गढ़ से अपनी सीट बचाई थी। उसके बावजूद इन चुनाव में चंद्रबान सिंह आक्या को दरकिनार किया गया और आखिरकार चंद्रबान सिंह आक्या ने खुद इंडिपेंडेंट लड़ते हुए 96,000 के करीब वोट हासिल कर 7,000 के आसपास से जीत हासिल की। सेकंड पायदान पर जैसा मैंने भी बताया सुरेंद्र सिंह जाड़ावत रहे कांग्रेस के, और नरपत सिंह राजवी जो कि भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे उनको काफी कम वोट 20-25,000 के आसपास वोट ही हासिल हुए। तो ये था चित्तौड़गढ़ प्रॉपर, चित्तौड़गढ़ शहर विधानसभा का हाल। चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 5 सीटें हैं जिसमें बड़ी सालनी में भी बीजेपी जीती है। निम्बाड़ा में जैसा मैंने अभी पहले बताया उदयलाल आंजना जो कि मंत्री थे सहकारिता मंत्री, उनको पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने हराया है। साथ ही साथ निम्बाड़ा, बड़ी सालनी, चित्तौड़ुआ, अब बात करें कपासन की तो कपासन से भी अर्जुन लाल झिंगर भाजपा के, उनकी जीत हुई, और कांग्रेस के बेरवा उनको दूसरे नंबर पर रहे, और बेगू से भी इसी तरह भाजपा ने जीत हासिल की। यानी कि अगर यूं कहा जाए तो एक माने में चित्तौड़गढ़ जिले में पूर्ण तरह बीजेपी आई है, और अगर चंद्रबान सिंह आक्या को बीजेपी से अलग किया जाए तो चार बीजेपी और कांग्रेस के बीच 4-0 का मुकाबला रहा और एक निर्दलीय, इस तरह से 5 सीटों का जनादेश आया। तो अब सब चीजें क्लियर हो चुकी है और कहीं ना कहीं राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले का जो मैंने जिक्र किया वो इसके लिए जरूरी था कि चित्तौड़गढ़ प्रदेश अध्यक्ष उनके बीच और निवर्तमान विधायक जो फिर से विधायक चुने गए चंद्रबान सिंह आक्या के बीच जो अनबन था, जो इस चुनाव में बिल्कुल जाहिर हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं चंद्रबान सिंह आक्या ने जब ये सीट निकाली है तो उनका कद बढ़ेगा। और सीपी जोशी ने चाहे प्रदेश में पूरे ही बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन अपनी खुद की सीट पर उनके प्रत्याशी हारे इसका मलाल उनको जरूर रहेगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। इधर गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।